अब देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में मानसून सत्र में नए रूप में दिखेगी यूपी विधानसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मानसून सत्र में नए रूप में विधानसभा नजर आएगी। विधानसभा में पहली बार लगाई गई एलईडी स्क्रीन। बता दें कि विधानसभा की वॉल पर लगाई गई एलईडी स्क्रीन, कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, नया विधानसभा नजर आएगा। बता दें कि विधानसभा के गेट और पिलर्स पर भी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह की एलईडी स्क्रीन विधानसभा में लगाई गई है। स्क्रीन पर सत्र में बोलते दिखेंगे विधायक और मंत्री। मानसून सत्र में नए रूप में दिखेगी यूपी विधानसभा। कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, वहीं पर यूपी विधानसभा नए रूप में दिखेगी। विधानसभा में पहली बार लगाई गई एलईडी स्क्रीन। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, वहीं पर अब विधानसभा जो है नए रूप में दिखाई जाएगी। वहीं पर बताया जा रहा है कि एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें मंत्री और विधायक दिखाई देंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र का कल आगाज हो रहा है विधानसभा का। कल से अभी 11 तारीख तक, यानी कि 11 दस तक मानसून सत्र चलेगा, जिसमें अगर बात की जाए पक्ष विपक्ष बैठ कर प्रदेश के विकास पर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो इस बार के विधानसभा सत्र में खास ये रहेगा कि विधानसभा को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के लिए जो लगातार विधानसभा समिति काम कर रही है, जहां आप पिछले सदन में आपने देखा कि कहीं ना कहीं विधायकों की जगह को आरक्षित किया गया, टैबलेट लगाए गए और पूरे डिजिटलाइजेशन तरीके से सदन चलाने के कार्य किए जा रहे हैं, उसी में अब अगर बात की जाए तो विधानसभा की जो भी गलियां हैं, हॉल है, वहां पे एलईडी स्क्रीन लगाई गई है हाईटेक तरीके से, जिसमें विधायकों, जब विधायक सांसद या मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी सदन का सदस्य बोलेगा तो उसका सीधा प्रसारण कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर रहने वाले लोग, तमाम जो लोग आगंतुक आते हैं, वो दीवारों पर भी देख सकेंगे। आपको बता दें कि इसमें हाईटेक तरीके से पूरी विधानसभा को सजाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, इस बार विधानसभा में काफी विधानसभा समिति की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर बात करें तो झालरों से, लाइटों से भी सजाया गया है, साथ ही हाईटेक तरीके के एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं, जिसमें सदन की कार्रवाई आम लोग देख सकें। तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। पत्नी से पीड़ित होकर युवक ने की खुदकुशी। खबर लखनऊ से है, जहां पर बताया जा रहा है कि पत्नी से पीड़ित होकर युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया खुदकुशी का कारण। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर युवक ने खुदकुशी कर ली है। पत्नी बताई वजह जा रही है, आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। बता दें परिजनों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ के थाना नाका इलाके के राजेंद्र नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि पत्नी से पीड़ित होकर युवक ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया खुदकुशी का कारण। लखनऊ में करंट लगने से छात्रा की हुई मौत। बड़ी खबर है, लखनऊ में करंट लगने से छात्रा की मौत हो गई। बारिश के दौरान खंभे पर उतरा करंट। खबर लखनऊ से है, तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे चल रही थी छात्रा, जिसको करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कृष्णा नगर के पिकेडेली होटल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग पर फिर खड़े हुए सवाल। खबर आगरा से है, जहां पर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। अवैध हॉस्पिटलों पर नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। आगरा में खूब फल फूल रहा है अवैध हॉस्पिटल का धंधा। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मौन साधे बैठा है आगरा स्वास्थ्य विभाग। खबर आगरा से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से खड़े सवाल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि आगरा में खूब फल फूल रहा है अवैध हॉस्पिटल का धंधा। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां पर आगरा में अवैध हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। मोहन साधे बैठा है आगरा स्वास्थ्य विभाग। अवैध हॉस्पिटल पर नई कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पर अवैध हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आगरा में खूब फल फूल रहा है अवैध हॉस्पिटल का धंधा। खबर आगरा से है, जहां पर मौन साधे बैठा है आगरा स्वास्थ्य विभाग।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आगरा में अवैध तरीके से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, अवैध हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, अवैध हॉस्पिटलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खबर आगरा से है। आगरा में खूब फल फूल रहा है अवैध हॉस्पिटल का धंधा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, अवैध हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद फर्जी हॉस्पिटलों का धंधा फल फूल रहा है। ताजनगरी आगरा में तमाम ऐसे हॉस्पिटल है जो मानकों के विपरीत चल रहे हैं। वहीं जो एक मामला सामने आया है, जो नया सवेरा हॉस्पिटल है, वहां की संबंधित विभाग से और अग्निशमन विभाग से उसकी जानकारी की गई, तो अग्निशमन विभाग के मुख्य अधिकारी ने बताया कि इस नया सवेरा हॉस्पिटल के पास फायर की एनओसी नहीं है। जब प्राइम टीवी के संवाददाता उस हॉस्पिटल पर गए और हॉस्पिटल के जो संचालक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात की गई, तो डॉक्टरों के पास जवाब नहीं बना और डॉक्टर ने प्राइम टीवी के संवाददाता से अभद्रता शुरू कर दी और उनके तमाम जो गुर्गे थे और हॉस्पिटल स्टाफ था, उन्होंने प्राइम टीवी के संवाददाता से अभद्रता की। इसकी शिकायत आगरा सीएमओ से की गई। सीएमओ का साफ तौर से कहना है इनके पास लाइसेंस नहीं है हॉस्पिटल का, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी जिशान, क्या कुछ आगे की कार्रवाई की बात कही गई है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं, जब प्राइम टीवी के संवाददाता वहां पर शहीद नगर क्षेत्र में जो हॉस्पिटल स्थित है, वहां के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां का जो रियलिटी चेक किया गया, जिसमें साफ तौर से कह सकते हैं कि बिल्कुल मानकों के विपरीत चल रहे थे हॉस्पिटल, और उनके पास फायर की एनओसी की अगर बात करें, या पार्किंग की व्यवस्था की बात करें, या फायर एक्सिट जो इमरजेंसी गेट होता है, अगर वहां आग लग जाए तो वहां पर कोई उपकरण भी नहीं मौजूद थे। अगर वहां पर सिलेंडर की बात करें तो एक दो प्राइवेट सिलेंडर जरूर लगे थे, लेकिन एनओसी नहीं थी। लेकिन जो संबंधित विभाग से इसकी शिकायत की गई है, संबंधित विभाग जो स्वास्थ्य विभाग है, उसका साफ तौर से आगरा सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे हॉस्पिटलों पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी और उनको सील किया जाएगा। वहीं इस पूरे विषय पर अग्निशमन विभाग के मुख्य अधिकारी हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है इन लोगों के पास जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे हॉस्पिटल के विरुद्ध अग्निशमन विभाग की भी कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोंडा में 9 तारीख से चलेगा मेरा माटी मेरा देश अभियान, खबर गोंडा से है, जहां पर 9 तारीख से चलेगा मेरा माटी मेरा देश अभियान। डीएम नेहा शर्मा ने सभी अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। बता दें कि जनपद का प्रत्येक नागरिक अपने घर पर झंडा फहराए। 9 तारीख से मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा, हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले सभी नागरिक, डीएम ने कहा। बता दें कि 9 तारीख से चलेगा मेरा माटी मेरा देश अभियान, खबर कोटा से है, जहां पर 9 तारीख से मेरा माटी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। डीएम नेहा शर्मा ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बुलंदशहर में चाकू से गोद कर युवक की हत्या, बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबर बता दें कि बुलंदशहर से है, जहां पर चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मृतक की जेब से 2 आधार कार्ड, 1 पंच और 1 फ्लूट बरामद कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। खुर्जा सिटी स्टेशन प्लेटफॉर्म का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है, खबर बुलंदशहर से है। बर्खास्त सिपाही पर दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा, खबर लखनऊ से है। बर्खास्त सिपाही सुधीर मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बता दें कि बर्खास्त सिपाही समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। खुरदही बाजार स्थित एटीएम मशीन काट कर लूटी थी नकदी, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सिपाही के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना में दर्ज हुआ मुकदमा। पालतू बिल्ली को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद, खबर कानपुर से है, जहां पर पालतू बिल्ली को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया है। पड़ोसी ने महिला और उसके बेटे पर फावड़े से वार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पालतू बिल्ली को लेकर विवाद हो गया है, खबर कानपुर से बता रहे हैं। झगड़े में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए हैं।
पुलिस ने महिला और बेटे के तरफ से दर्ज करवाया है मामला। बता दें दर्ज मामला कर लिया है, खबर कानपुर से है, जहां पर पालतू बिल्ली को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि दो पक्ष आपस में किस तरीके से भिड़ रहे हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के उस्मानपुर केडीए का पूरा मामला बताया जा रहा है। पालतू बिल्ली को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया है, ये खबर कानपुर से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पड़ोसी ने महिला और उसके बेटे पर फावड़े से वार किया है। आप सीधा तौर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फावड़े से वार किए जा रहे हैं। झगड़े में दोनों पक्षों के तीन लोग घायल हो गए हैं। पालतू बिल्ली को लेकर झगड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पालतू बिल्ली को लेकर जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, फावड़े से वार किया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? पूरा मामला जो है हनुमंत विहार थाना क्षेत्र पूरा मामला और मान पर चौकी का, इसमें पड़ोसी जो पालतू बिजली बिल्ली पाली की उसको लेकर के देखा तो आप दो पक्षों आपस में विवाद हुआ पड़ोसियों का। और आप देख रहे हो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें किस तरीके से जो है वो आदमी जो है फावड़े से कई वार कर चुका है और लगातार वार जो है रुकता नहीं आ रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो महिला है, पीड़ित महिला है, जिसको चोट उसको पुलिस ने मेडिकल भेजा है और उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए जो तरीके से तस्वीर है जो वो भयावह नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग की जो तस्वीर जो है वो सच्चाई जो भयावह नजर आ रही है, क्योंकि अगर बात करें तो प्रशासन जो है वो उस महिला को मेडिकल के लिए भेजा, उसके बाद जो है जो आरोपी जो आदमी है जो खबर चला रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उसको जेल लिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर है, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकी फिरदौस अहमद डॉर हुआ गिरफ्तार। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है, आतंकी फिरदौस अहमद डॉर हुआ गिरफ्तार। खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया, हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, हिजबुल मुजाहिदीन का एक और आतंकवादी गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से बात की जाए, यूपी एटीएस ने जिनके संदिग्ध आतंकी फिरदौस को जम्मू कश्मीर के अंदर से गिरफ्तार किया है, क्योंकि जिस तरीके से बात सामने आ रही है क्योंकि पीर पंजाल तंजीम से जुड़े आतंकी फिरदौस ने ही अहमद रजा को जम्मू कश्मीर के जंगलों में आधुनिक हथियारों से साथ प्रशिक्षण दिलाया था, यानी कि ट्रेनिंग पूरी दी थी कि किस तरीके से हथियार चलाने हैं। इसी के साथ साथ अब जिस तरीके से जो गिरफ्तार की गई, गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से की गई है, तो वहां पर ट्रायल निर्माण के बाद यूपी एटीएस की टीम फिरदौस को लखनऊ लेके आई है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में लाकर के जो पूछताछ हो रही है, तो इसके साथ ये देखा जा रहा है कि आखिर इसके द्वारा अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर देश विरोधी गतिविधियों की बात की जाए, उसको लेकर के युवाओं को लगातार ये प्रेरित कर रहा था और प्रेरित करने के साथ साथ आधुनिक जो हथियार है उनको भी चलाने की पूरी तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे लोगों से बचना है, कैसे हथियार चलाना है, किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचना है, कैसे लोगों को गुमराह करना है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले एक जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी में इसका नाम सामने आया था, उसके बाद एटीएस की टीम ने जम्मू कश्मीर की पुलिस से समन्वय किया और उसके बाद वहां से गिरफ्तारी की है। और लेकिन इसके साथ अब ये बताया जा रहा है कि जो इससे पहले जो आतंकी गिरफ्तार हुआ था उसकी जो 14 दिनों की रिमांड थी, उसके बाद अब इसको भी 17 दिनों के ट्रायल रिमांड पर लखनऊ लाया गया और दोनों का आमना सामना कराया जाएगा। और उस आमने सामने के बाद ये सामने आएगा कि अब तक इन लोगों के संपर्क में कितने लोग आए हैं और यह लोग कितने कौन सी साजिश रच रहे थे। फिलहाल ये खुलासा होना अभी बाकी है कि आखिर इन लोग की जो बड़ी साजिश थी वो कौन सी साजिश थी, क्योंकि उसके पास से असलाह भी मिला है और वो असलाह कौन सा है इस बात की जानकारी खास नहीं दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजधानी में एक बार फिर चली गोली। खबर लखनऊ से है, जहां पर एक बार फिर से गोली चली है। बता दें कि दबंगों की फायरिंग में युवक के हाथ में लगी गोली। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर दबंगों ने फायरिंग की है। गोली चलने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। खबर लखनऊ से है, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। बता दें कि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुड़ चुकी है। दबंगों ने फायरिंग की है जिसमें एक युवक घायल बताया जा रहा है, वहीं पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित मनकामेश्वर मंदिर के पास का पूरा मामला है। राजधानी में एक बार फिर से गोली चली है।
दबंगों ने फायरिंग की है जिसमें एक युवक घायल हो गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दबंगों की फायरिंग में युवक के हाथ में लगी गोली। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि दबंगों के फायरिंग में कई लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, बीती देर रात हसनगंज के मनकामेश्वर मंदिर के पास एक फायरिंग की घटना आई थी, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग की जो घटना थी उसमें यह बताया गया कि पैसों के विवाद को लेकर के जो है दोनों के बीच विवाद हुआ था, उस दौरान फायरिंग हुई और उस फायरिंग में एक युवक के हाथ को छूटे हुए गोली निकली और वो घायल हो गया। फिलहाल मौके पर जो पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने घायल को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं इसके साथ साथ जो घटनास्थल था, घटनास्थल पर जो अधिकारी पहुंचे थे वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, लेकिन जो आरोपी है उस आरोपी की शिनाख्त हो गई कि आखिर जिसने फायरिंग की, लेकिन वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन इस बात से ये सवाल उठता है कि आखिर जहां पर ये घटनाक्रम हुआ उस घटना से कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है और गश्ती के जो दावे किए जाते हैं वो गश्ती के नाम पर खोखले साबित हुए और इस घटना के बाद से पुलिस रात को अलर्ट हुई। और इसके साथ साथ जो अधिकारियों की बात की जाए, क्योंकि अधिकारी भी लगातार कह रहे हैं कि 15 अगस्त से धारा 144 लागू है और जो पेट्रोलिंग है वो लगातार बढ़ाई जाए, किसी तरह बड़ी घटना को अंजाम ना हो उसको लेकर के भी सतर्कता बरती जाए। लेकिन जिस तरीके से बदमाश लगातार फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल या निशान खड़ा हो रहा है और उनकी पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। सपा विधायकों का पार्टी कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया है। खबर लखनऊ से है जहां पर सपा विधायकों का पार्टी कार्यालय पहुंचना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में शुरू होगी सपा विधायक मंडल की बैठक। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के विधायक मंडल बैठक की जाएगी। कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक है जहाँ पर कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लग रहा है। सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। चलने वाली है तो इसी के लिए एक बैठक होती है। मैम, आ रही थी कि आप बीजेपी के लिए आप शामिल होने वाली हैं। मैम, क्या दिल्ली भी गई थी आप? कुछ नेताओं से मुलाकात हुई है? आप खुद ही पता लगाइए, आप लोग से कौन बच सकते हैं? आप समाजवादी पार्टी का ही सही रहेंगी। किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है, कहीं पर किसानों को कोई मुआवजा दिया नहीं जा रहा, लोन की बड़ी समस्या है, कहीं चुनौती हो रही है, कहीं लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिस राह पर चल रहे हैं और निश्चित रूप से इंडिया को जिताने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, बिना उत्तर प्रदेश के कोई सरकार नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा त्रस्त है, बोलते हैं डबल इंजन से धुआं निकल रहा है, झूठ की सरकार है। आपने पूरा सत्र लोकसभा का भी देख लिया होगा और सदन में हम पहुंचेंगे। आज रणनीति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे और सब हम लोग उस नीति पे, उस विचार पर चलने का काम करेंगे। प्रदेश की विधानसभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विधानमंडल दल की बैठक आहूत है। इस बैठक में उनके निर्देश पर जो आज जन समस्या उन पर चर्चा करके आने वाली विधानसभा के सत्र में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की उन तमाम समस्याओं पर निश्चित रूप से पूरी मजबूती से चर्चा करेंगे। जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कल से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, वहीं पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा विधायकों का जमावड़ा लग रहा है, क्या कुछ कैसी रणनीति बनाई जा सकती है इस बार? नंदनी, अगर बात की जाए तो प्रदेश के विधानसभा में कल से सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 11 तारीख तक चलेगा। उससे ठीक पहले अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी विधान दल की बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश के सपा के सभी लगभग विधायक सम्मिलित हुए हैं। इसमें साफ तौर से कैसे विधानसभा में सरकार को घेरना है इन विषयों पर चर्चा की जा रही है। अगर बात की जाए तो आज के इस बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे, साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत तमाम बड़े नेता शिरकत किए हैं। साथ ही देखें तो हाल फिलहाल में चर्चाएं थी कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है, मगर उन्होंने इसको साफ स्वीकार किया और आज की बैठक में सम्मिलित हुई है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का कार्य करेंगे और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा कार्रवाई में सपा कैसे सरकार को घेरेगी जिसको लेखन वर्णी तैयार करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो इस बार के सत्र में जाति जनगणना पीडीएफ फार्मूला के तहत उनके उत्थान का और बात करें तो सामाजिक न्याय आवास पशु को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर हमला हो सकती है। साथ
साथ ही अगर बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में सियासत तेज है, तो इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का एक रोड मैप आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सभी विधायक मिलकर मंथन कर रहे हैं कैसे सदन में सरकार को घेरेंगे। तमाम जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका।